तो आप ये बताएं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? मैं पिछले 3-4 महीने से तो मैं इतना काम नहीं कर रही हूँ. लाहौर में रहना चाह रही थी, घर में दिल नहीं कर रहा था. वो देखा ना, हाँ, मैं तो फिर मैंने लाहौर में 2 किए, कलंदर, 1 फ्रॉड. लाहौर में ही वो थे तो मैंने शुक्र किया, और कराची ज़्यादा जाना नहीं हुआ. और अभी इसके बाद करूँगी कराची में. अभी मैं लंदन गई हुई थी एक फंड रेज के लिए, वो भी टाइम गुजर गया चलो, लेकिन अभी मैं रेस्ट पे हूँ, ज़रा अपना कपड़ों का काम देख रही हूँ. अच्छा ये बताएं आपा कि कपड़ों के बारे में, तो आप पहले, हमें पता है आपका ज़ौक बहुत खूबसूरत मतलब रहा है, आपने हमेशा ही बहुत शानदार कपड़े पहने हैं, लेकिन जब आप इस उसमें लॉन्च हुई हैं वो बड़े शानदार कपड़े हैं आपके. इसलिए क्योंकि मुझे कपड़े बनाने का बहुत शौक है, ये सब ये जानते हैं, क्योंकि आपने मेरा तारुफ बहुत अच्छा कराया. लेकिन एक बात भूल गई, आपको शायद पता नहीं, मैं माजरत करती हूँ पहले कि मैंने अपनी जो कम बैक किया था वो A+ से ही किया था. अच्छा, अच्छा. और ये समझे कि मेरा मैका है. अरे वाह. और यहाँ से मोहब्बत कुछ और तरह की, और सबसे है सारे ये मेरे बच्चे हैं, मेकअप आर्टिस्ट असगर है, और ये छोटे छोटे असिस्टेंट हैं. नईम जो इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वो भी मेरे कुलीग हैं. हम टेबल हमारी सबकी साथ साथ होती थी. नहीं तो आपके हम उम्र भी है. आप चाहते ये बात किसको लगाई है? आप चाहते हैं वो मुझे छोटा कह रहा है ना. Exactly. मेरी she got my point. और कि आपकी तस्वीर की जगह अखबार का एक टुकड़ा है. और मैं ये इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है A+ का, क्योंकि लाहौर का एक वाइज चैनल है जिन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर वजाहत हुसैन यहाँ से गए हैं अपना, और भी साइम जो है, साइम शेख, वो भी यहाँ से गए हैं. और बड़ी बात ये है कि अहमद हाशमी काम को जिंदा रखा हुआ है बिल्कुल. और यहाँ पे आपको हमेशा मुझे तो ये इनकरेजमेंट मिली कि मैंने जो करना चाहा मुझे करने दिया गया. तो आपके अंदर, मैं कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो थी नहीं, लेकिन ख्वाहिशात थी ना बिल्कुल. तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये मुझे अपना घर की तरह लगता है हमेशा. क्या बात? और ये मैंने कहा आपको शायद पता नहीं, तो मैं ये बता दूं, और इंशाल्लाह जब मैं कभी रिटायर होंगी तो मैं यहीं आऊंगी. अल्लाह ना करे आप कभी भी रिटायर हो, तो हम आपको हमेशा काम करता देखना चाहते हैं. तो कपड़ों की बात ये कि कपड़े तो इनको सारों को पता है कि मेरी अलमारियों में कितने कपड़े हैं, तो वो अब कितने बनाऊं. सही बात, अब आखिर बड़ी भी तो हो रही हूँ ना, अल्लाह को हिसाब भी देना है. तो सोचा कि जो दिल के ख्वाहिशी डिजाइन जो है वो फिर लोगों को बना के दिए जाए, तो वो मैंने लोगों के लिए बनाए, बड़े पसंद आए, और अब मैंने मेंस वेयर शुरू किया. अरे जबरदस्त. मेरा छोटा बेटा है अहमद अब्बास, जो गाता भी है, एक्टिंग भी करता है, लेकिन तो मैंने कहा बेटे रोटी जो है ना वो गाने और रोटी से नहीं मिलेगी तुम्हें. हाँ. तो रोटी खाने के लिए कुछ ना कुछ साइड पे करना पड़ेगा. बिल्कुल सही. उसने मेरे साथ मिलके अब मेंस वेयर शुरू किया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा अमानत ये बताएं आपका लेटेस्ट एल्बम कौन सा आ रहा है? अभी एल्बम तो आजकल तो एल्बम का ट्रेंड वैसे ही खत्म हो गया, मतलब नए तो सिंगल्स हम रिलीज करते हैं, लेकिन आजकल मैं फिलहाल तो काम नहीं कर रहा किसी सिंगल पे, बिकॉज मैं थोड़ा सा गैप मेरा आ गया था. मेरी अभी रिसेंटली कैनेडियन नेशनलिटी हुई है. ओह गुड, आई हैड, यू आर आल्सो गोइंग टू बी हियर एंड देयर. अच्छा मैंने एक पोस्ट बनाई ना वहाँ से, कनाडा से, उसमें कुछ ऐसा जुमला मैंने दे दिया हियर एंड देयर, तो मैं वो क्लिप नहीं देखा सी. अच्छा ते थले कमेंट्स आना शुरू है, अमानत भाई यू आर आल्सो गोना बी हियर एंड देयर, यू आर आल्सो गोना बी. मैं ना सिर फाड़ के बैठ गया कि एक ही कमेंट आई जा रहा है, चक्कर की है यार. कहाँ रहे हो कभी जाकर लंबा? अभी मैं 1 साल रह के आया हूँ. हाय तो खुश थे तुम वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह. मक्खियाँ नहीं याद आई यहाँ? गंध मारे नहीं नजर आए, ढब्बे लगे. लेकिन एक बात मैं बताऊँ कि हमारे जितने भी परदेसी बहन भाई हैं, परदेसी लोग, क्योंकि मुझे भी इत्तेफाक हुआ, मैंने 4 साल अमेरिका में भी गुजारे हैं, तो जो परदेश में ईद के दिन जो उदासी होती है, जो मायूसी होती है, इतनी सारी आसाइशों के बावजूद जो ईद की खुशियां अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मुल्क में है, मिट्टी की वो आप जितने मर्जी डॉलर पाउंड्स कमा लें, यू कैन नॉट हैव इट. बहुत सफाई सफाई वाली बात आपने की ना, एक बड़ा अच्छा जोक है. एक बंदा लंदन चला गया, कहता वापस आया ना, कहता यार मैं लंदन गया उसे एनी सफाई मेरा दिमाग बंद हो गया. अच्छा बंदे कहते फिर क्यों है? बस लाहौर आया गंदे नाले से फिर तो दिमाग खुले. उतरी हूँ ना तो यहाँ मेरी मक्खी बैठी, मैं क्या, मैं सब के जावा बह जा बैठी है तुझे तो तक तेरा दिल कर तो हमें थोड़ा सा ये एडवांटेज होता है सिंगर्स को, जहाँ बैठते हैं वहाँ शोज शुरू हो जाते हैं. बिल्कुल. तो पहले मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार साल कैसे गुजारना है मैं. हाँ. तो हालांकि मेरे फ्रेंड्स तो बहुत हैं, 2007 से जा रहा हूँ वहाँ परफॉर्म करने. फिर वो कोई 1-2 महीने में फिर माशाल्लाह शोज शुरू हो गए. सही. तो तब वहाँ दिल ऐसा दिल लगा, फिर यहाँ आने को दिल नहीं कर रहा, वरना वहाँ बहुत मुश्किल है.
लेकिन यहाँ तो खैर आना ही पड़ता है, अपने बुलाते हैं, अपनी मिट्टी बुलाती है, और ये त्योहार और ये खुशियाँ अपनों के साथ ही होते हैं। अदला, आप बताएं कि आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कोई किसी और चीज़ में भी आने का मतलब है इरादा, सिंगिंग वगैरह या इस तरफ? सिंगिंग तो ऑब्वियसली मुझे बहुत शौक है गाने का, लेकिन मुझे नहीं गाना चाहिए, बड़ा बुरा आइडिया होगा। आज सुनेंगे, आज हम सुनेंगे, सब लोग जो है बस शो छोड़ के चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम आपसे आज लाजमी सुनेंगे। इवेंट प्लानिंग आई वुड लव टू डू दैट। रियली? मैंने छोटे स्केल पे किया भी हुआ है फॉर माय फ्रेंड्स एंड। अच्छा, तो फिर उसे कंटिन्यू क्यों नहीं? कंटिन्यू बस यही है, एक्टिंग अगर, क्योंकि कराची से तंग आ गई। देखो देखो, सोच समझ के कहना, क्योंकि आपके काम के लिए वही जाना है। हाँ, लेकिन फिर वो आपको कुछ अर्से के बाद वापस आना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए। कोई जो जैसे मैं, अब मुझे 3 महीने तो हो गए, अब मैं कराची के लिए उदास हूँ। वो ऐसे ही होता है, थोड़े दिन में बाहर जरा घूम आऊँ, जरा घूम आऊँ। जो फैक्ट इज दैट एक्टर्स के लिए खासतौर पे, मैं खुद एक एक्टर हूँ तो इसलिए मैं कहूँगा कि कराची इज अ ब्लेसिंग, कराची की वजह से हम सब जो हैं सरवाइव कर रहे हैं। बिल्कुल, और इंडस्ट्री एग्जैक्टली, इंडस्ट्री भी जो है, और फिर हमने तो वो कर दिया जो हुकूमत ना कर सके, हमने सिंध और पंजाब को एक कर दिया। आज मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, हालांकि आई एम नॉट एन एक्टर, बट स्टिल एक ना फील होता है कि यहाँ पे अक्सरियत के साथ एक्टर्स मौजूद है, कराची चले गए हमें। अच्छा, तो आज माशाल्लाह ये हमारे 4 बहुत बड़े नाम बैठे हैं। बिल्कुल, एना गुलो सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ऐसी लाहौर आ गई। नाजरीन, इसी के साथ हम ले रहे हैं ब्रेक, आप देख रहे हैं चॉकलेट टाइम्स ऑन ए प्लस। चॉकलेट टाइम्स ऑन ए प्लस, और हम आपके साथ अपना ईद का पहला दिन गुजार रहे हैं। आपा, ये बताएं आप कितनी ईदी देती हैं? मैं कितनी ईदी देती हूँ? लुल्लू के पट्टे बहुत ईदी लेते हैं। और पहले तो रेट होता था थोड़ा सा, तो वैसे हमारे घर में एक बहुत अच्छा रिवाज है, मैं मेरे से ज्यादा लेते हैं और बाबा से, वो कहते हैं चलो भी लाइन बनाओ। अच्छा, जिसमें सारे छोटे बड़े, मेरी बहनें भी हैं बीच में, अपनी बहनें भी हैं बीच में, सब खड़ी होते हैं लाइन बना के, और उन्होंने रेट रखा हुआ 100 रुपया। अच्छा, 100 रुपया? एक देखिए, ये एक रस्म है, इसकी वैल्यू बहुत है। हाँ, और ये 100 रुपया, और उसके बाद फिर चोरी चोरी बड़ों को कहते हैं ले 5,000 तू ले, ले 5,000 ले ले। तो आपको कितनी ईद मिलती है? मुझे कोई नहीं अब मिलती। आपको उनसे कोई ईदी नहीं मिलती? नहीं, कोई नहीं मिलती, तो जुल्म है। वो मुझे भूल ही जाती है, मैं बाद में कहीं साल बाद कहती हूँ आपने मुझे ईदी नहीं मिलती। तो कहते हैं आपको अब नहीं मिलती, मुझे अभी भी मतलब शुरू से ही नहीं मिलती। माँ सबके जाए, कुड़ी तो खुश ही नहीं है, पता लगा हालात बड़े खराब आए, ये तो वो सारे पैसे मेरे पास ही होते हैं। ईदी तो ईदी होती है ना, 100 रुपया ही बेटा दे दो, ईदी दे ना यार, सब निकालने लगा, निकालने लगा, शेर बना, शेर बना। अम्मियों को भी देते होते हैं, अम्मियों को, माँ का पहला खवातीन, माँ का पहला हाथ होता है, सवा 4। मुझे 500 मैंने इसलिए यहाँ पर सबको दी है कि आपने मुझे इससे डबल दी। यार ये तो अब इसने शर्मिंदा कर दिया बिना। तो अच्छा, शर्मिंदा हो गई वापस कर। आप माँ से शर्मिंदा हो बस शर्मिंदा ही करना सी। थोड़ा राम है, मैं वापस ले रही हूँ, मैं तारीफ करी थी, मैं अब वापस ले रही हूँ। बचपन में अम्मी ने सिखाया था देखी चीज वापस नहीं लेते, तो आपने वही हरकत की है। गरीब हूँ जी, गरीब। क्या गरीब है आप? बड़े खराब चल, क्या मतलब? बस मैं गरीब आदमी, गुर्दा बेचना पड़ गया आपको, क्या हो गया आपके? बेटा आप सब गरीब है, सब दालों पे आ गए, गोश्त सब ने छोड़ दिया। तो आपका दाल कौन सी सस्ती रहती है? लेकिन फिर भी हम कोकड़ों वाली दाल भी खा लेते होते, वो जो सस्ती किराने की स्टोर। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे, मेरी अम्मी आज भी मुझे 500 रुपया ईदी देती हैं और 50,000 मेरी जेब से निकल जाता है। लेकिन ये कि बच्चे हैं अब हमारे माशाल्लाह, लेकिन फिर भी अल्लाह, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबकी माओं को सलामत रखे, जो प्यार मोहब्बत और जो चाहत माँ के दिल में होती है ना, असी जिन्हें मर्जी बड़े हो जाइए, वो माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं ना। माँ जो है उसका दिल उसके लिए, उसकी औलाद ऐसे, वो कब्र से भी दुआएं करती है अपनी औलाद के लिए, और मतलब महसूस होती है उसकी दुआएं। अच्छा, आपने तो अपनी सुना दी, आपको ईदी मिलती? Excuse me?
आपको ईदी नहीं मिलती? ईदी क्या होती है? मैं तो भूल ही गया, मैं बता दे रहा हूँ, 500 रुपया मिल दिया ईदी बस। नहीं इधर से नहीं मिलती, इधर से मतलब कपड़े शपड़े बना के दिए, ईद के जोड़ा लेती है जब सब जी। इधर इधर से मुझे सुहान और रुमान मिल गए तो बस मेरी जिंदगी सब कुछ मिल गया। डिप्लोमैटिक एडा तो तेज मुंडा है ना, पूरी तरह इस बार गला कर करके उन्होंने बसाया है।